देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं निकिता अरोड़ा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबरों के साथ करेंगे। बड़ी खबर, महर्षि वाल्मीकि जयंती पर सीएम मनोहर लाल पहुंच रहे हैं और वाल्मीकि चौक पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की है। इसके साथ साथ सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि उनका सौभाग्य है कि महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि देने का उनको मौका मिला और साथ ही उन्होंने यहाँ पर कहा तो महर्षि वाल्मीकि को सीएम ने याद किया है। महर्षि वाल्मीकि जयंती है आज और आपको बताएं कि महर्षि वाल्मीकि चौक पर सीएम मनोहर लाल पहुंचे, पुष्पांजलि अर्पित की है। महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि देने का मौका मिला, ये कहना मनोहर लाल का। उन्होंने कहा कि महर्षि वाल्मीकि का जीवन कई मायनों में प्रेरणा देता है। उन्होंने समाज की बुराइयां दूर की हैं और समाज को नई दिशा दी है। बड़ौदा उपचुनाव में उन्होंने कहा है कि बीजेपी उम्मीदवार की जीत निश्चित है क्योंकि बड़ौदा में बीजेपी को लोगों को सपोर्ट मिल रहा है। तो बीजेपी का सपोर्ट लोगों को फिलहाल मिलता हुआ नजर आ रहा है, ये कहना सीएम मनोहर लाल का। तो यहाँ पर बड़ौदा उपचुनाव पर भी बोले सीएम मनोहर लाल, उनका कहना लोगों का काफी सपोर्ट बीजेपी को मिल रहा है। महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर वो महर्षि वाल्मीकि चौक पहुंचे थे जहाँ पर उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है, पुष्पांजलि अर्पित की है महर्षि वाल्मीकि को। और करनाल से ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, करनाल के महर्षि वाल्मीकि चौक को पहुंचे, समाज को अच्छे रास्ते पर ले गए महर्षि वाल्मीकि, ये कहना सीएम मनोहर लाल का। मुझे महर्षि वाल्मीकि जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने का अवसर मिला है। महर्षि वाल्मीकि जी का जीवन दर्शन समाज को एक अच्छी रास्ते पर चलने की जो उनकी विचारधारा उससे ओतप्रोत होता है। वो एक समाज में जितनी बुराइयां थी, जितनी वहाँ उस समय की सामाजिक समस्याएं थी, उनको दूर करने के लिए और समाज को एक ठीक दिशा देने के लिए भक्ति मार्ग पर चला करके उन्होंने एक बहुत बड़ा उपकार किया है। और इस अवसर पर हर वर्ष हम जैसे वाल्मीकि जयंती को मनाते आए हैं, आज भी बड़ी धूमधाम से हम लोग यहाँ भी जैसे आज अभी वाल्मीकि जयंती का कार्यक्रम किया, अभी मैं घोड़ा जा रहा हूँ, वहाँ भी वाल्मीकि जयंती का कार्यक्रम है। मैं इस अवसर पर समाज को सबको बहुत किसका डंका बजने वाला है सर, जैसा आप चाहेंगे वैसा होगा, लेकिन आप लोगों के मन की जो इच्छा है मैं मानता हूँ कि वो भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट है, हमारे गठबंधन के कैंडिडेट, उनको जिताने की है, निश्चित जीत सब लोग लगे हैं। हम भी